टू द वर्ल्ड ऑफ नेस्ले नेस्वीटा. नेस्ले नेस्वीटा लेकर आया है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो यंग और एम्बिशियस लड़कियों को देता है वो इनर स्ट्रेंथ और सपोर्ट जिनसे वो अपने गोल्स को रियलिटी में बदल सके. टुडे आई एम प्राउड टू प्रेजेंट टू यू येट अनदर एपिसोड ऑफ नेस्वीटा वुमेन ऑफ स्ट्रेंथ. हमारी आज की नेस्वीटा वुमेन ऑफ स्ट्रेंथ का गोल है एक मेकअप आर्टिस्ट बनना. हमारी नेस्वीटा वुमेन ऑफ स्ट्रेंथ के गोल को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे हर शो की एक थीम हुआ करती है. हमारे आज के शो की थीम है ट्रेंड अवेयरनेस. लेकिन हमारी आज की नेस्वीटा वुमेन ऑफ स्ट्रेंथ को बुलाने से पहले उनके साथ अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए और उनको इंकरेज करने के लिए वी हैव विद अस पाकिस्तान की एक बहुत फेमस फैशन डिजाइनर जिनके अराउंड द वर्ल्ड आउटलेट्स उनके ब्रांड की सक्सेस की निशानी है. इंटरनेशनल मीडिया उन्हें पाकिस्तान में वुमेन फैशन की पायनियर कहता है. प्लीज वेलकम मारिया भट्ट. अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो. Thank you once again for taking our time and coming on our show. My pleasure, Aisha. Thanks. अच्छा मारिया, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि what does Maria B stand for? I think for the past 10 years, my philosophy has been the same. Mm-hmm. Maria B is for the modern young woman right. who is looking for something that is fabulous mm-hmm. but affordable. Affordable. That's my key. अच्छा अब हमें ये बताएं कि आपने एक नया लेबल शुरू किया है by the name of M Girl. That's right. Yeah. What is that all about? 10 साल पहले when I started the brand Aisha, mm-hmm. मेरी ये philosophy थी कि fashion accessible हो to normal women all over Pakistan. सही. Ready to wear मैं जाना चाहती थी. Right. I had the option कि मैं couture भी करूं, couture मैं करती हूं. So right now 10 साल में Maria B के 5 brands बन चुके हैं. Maria B, Maria B Lawn, Mafia, Maria B Formals, and then M Girl. M Girl is young, trendy, and Western. So it's a lot of fun. Please welcome today's Nesvita Woman of Strength, Mehak Kasmi. I'm perfectly fine. I must say you're looking gorgeous in Maria B's outfit. Yeah, thanks to her. How do you feel about it? Very nice. अच्छा लग रहा है. Nice. Yeah. अच्छा मैं ये बताएं कि आज आप नेस्वीटा वुमन ऑफ स्ट्रेंथ बनी हैं तो what has it changed in your life? एक जो बहुत बड़ा चेंज आया है वो definitely यही है कि I'm very focused now. काफी clarity हो गई है goals में and you know I've got to know what I have to do and how I have to do. ये बताएं कि आप are you focusing on a you know particular kind of makeup style aapne karna hai ya you're open to everything in I'm seriously open to everything because makeup aapko restrict nahi kar sakta kisi ek specific style ke liye if you know how the techniques I mean you can do anything to aapke samne Maria B hai jo ke mashallah apni field mein bahut successful hai aap unse kya puchna chahengi I want to know ke aap mashallah you are aapke jo outlets hain wo internationally हर जगह पर ही है ऑल अराउंड द वर्ल्ड सो हाउ यू गेट योरसेल्फ अवेयर ऑफ द ट्रेंड्स द करंट ट्रेंड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आई थिंक सबसे जरूरी पार्ट इन फैशन इज ट्रेंड्स द बेस्ट थिंग इज दैट इफ यू वांट टू सी के ट्रेंड्स क्या हैं आप कुत्योर वीक देखें पेरिस में क्या हो रहा है मिलान में क्या हो रहा है हर सीजन में मेकअप चेंज होता है ट्रेंड्स चेंज होते हैं फैशन चेंज होता है स्टाइलिंग चेंज होती है दैट्स हाउ आई डू इट एंड आई थिंक एवरी यंग पर्सन शुड डू द सेम थिंग इंटरनेशनल मार्केट में अपने लेबल को प्रॉपरली सेटल करने में कितने इश्यूज आए क्या प्रॉब्लम्स आए ना हाउ यू ओवरकम दैट बहुत इट्स अ लर्निंग प्रोसेस अभी तक आई फील आई हैव सो मच टू लर्न और इतना ज्यादा कुछ मैंने काम करना है अगले 10 साल लेट्स सी क्या होता है अभी 10 साल में इतना किया अगले 10 साल में लेट्स सी क्या होता है इंशाल्लाह 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 बट आई थिंक यू हैव टू बिलीव इन योर ड्रीम्स ट्रू अगर आप में थोड़ी सी भी टैलेंट है अल्लाह पे भरोसा है इट विल हैपन हमारी आज की नेस्वीटा वुमेन ऑफ स्ट्रेंथ की मेंटर बनने के लिए और उन्हें गाइड करने के लिए वी हैव विद अस द ट्रूली इंस्पिरेशनल अ लिविंग टेल ऑफ अचीवमेंट थ्रू हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन जो हार्ड वर्क को अचीवमेंट की शर्त कहती हैं प्लीज वेलकम नीलोफर पीरजादा ऑफ नीलोज अस्सलाम वालेकुम थैंक यू फॉर कमिंग ऑन योर शो थैंक यू वंस अगेन कि आपने टाइम निकाला और आप हमारे शो पे आए इट्स लवली टू हैव यू हियर नीलो सबसे पहले तो सबको बताते चले कि यू लॉस्ट योर हस्बैंड एट अ वेरी वेरी अर्ली एज और आपने 3 बेटों को माशाल्लाह पाला है बेटियों को सॉरी एंड यू हैव योर ओन वेरी सक्सेसफुल बिजनेस तो इस सबको कैसे आपने मैनेज किया
Aisha, it wasn't an easy journey to let me tell you. It was all my husband's, I think, strength, and you know, he supported me with this. And I told him ki maine kuch karna hai. Aapne kiya. Ye determination hamari sab auraton mein honi chahiye. This is my message. Ki ek dafa agar aap ye soch lein ki aapne kuch karna hai. बस फिर आपने करना, that's no way looking back. बिल्कुल ठीक है आपने. महक आपके सामने आपकी मेंटर हैं, आप इनसे क्या सवाल पूछना चाहती हैं? मेकअप आर्टिस्ट जो प्रोफेशनली रिक्वायर्ड होते हैं उनके लिए क्या चांस, जॉब के क्या चांसेस हैं, एज इन वो सलून्स में जॉब कर सकते हैं या उनके लिए कोई और जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं भी है तो यू हैव टू जस्ट गो ऑन, यू हैव टू सर्च फॉर इट. ये नहीं कि आपको एक जगह नहीं मिली तो आप यू नो यू डिसहार्टेंड हो जाए. नहीं मतलब आपको ये तो नहीं करना पड़ता कि आपको इन एनी केस इफ यू हैव एक्वायर्ड द नॉलेज तो अब आपको हर हाल में अपना ही सैलून खोलना पड़े. आई मीन यू कैन वर्क विद अदर पीपल. आप अपना सैलून नहीं खोलेंगी जब तक आप थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस नहीं होंगे. यू हैव टू नो द एबीसी. और सिर्फ अपने सैलून खोलने के लिए मैं सबको एक बात कह दूं, छह लड़कियां रख के सैलून नहीं खोला जाता. यू हैव टू नो द एबीसी ऑफ रनिंग अ सैलून. आपको पहले सीखना पड़ता है. ये जो हमारा एक ट्रेंड है ना, अगर ये मारिया बहुत कामयाब हो गई है नीलो तो चलो हम इसी तरह, नहीं आप उनसे जाके थोड़ी देर पूछे तो सही कैसे कामयाब हो. इसी तरह नहीं होता, इट्स अ वेरी हार्ड वर्क. बिकॉज आजकल तो मैंने बहुत देखा है कि सैलून्स खोलने वाले बहुत आ गए लेकिन दे डोंट नो द जॉब एंड दे आर जस्ट डिपेंडिंग ऑन देयर स्टाफ. तो वो स्टाफ को क्या सिखाएंगे बताएंगे जब आपको खुद नहीं पता. फिर आप देख भी रही हैं हां कि वो जाहिर इतने सक्सेसफुल और बंद भी हो रहे हैं उससे जल्दी. आई थिंक विद ऑल काइंड्स ऑफ बिजनेस नॉट ओनली अ सैलून बिजनेस. बट अगर हर बंदा फैशन वाला हो गया या हर बंदा सैलून खोलने लगा तो मुझे एक चीज की बड़ी खुशी है कि वुमेन आर कमिंग आउट ऑफ देयर हाउस. और सब में एक जज्बा आ गया टू डू समथिंग. और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है थोड़े अरसे के बाद विमेन विल बी ऑल ओवर पाकिस्तान. Another thing that I want you to know, कि फिल्म इंडस्ट्री में जो मेकअप आर्टिस्ट काम कर रहे होते हैं और जो सैलून में कर रहे होते हैं, what do you think, what's the difference between the nature of job? बहुत डिफरेंस है. सैलून में तो बड़ा आराम वाला मेकअप है. अच्छा. वो इवनिंग मेकअप कर दिया उनके कपड़ों के हिसाब से या ब्राइडल कर दिया. टीवी और मूवी इट्स अ हेक्टिक, उनका कोई वर्किंग आवर्स नहीं होते और उनके मेकअप टेक्निक्स बिल्कुल डिफरेंट होती हैं. और सैलून में तो बड़े मजे का मेकअप होता है. इट्स अ रिलैक्स मेकअप. इट्स अ मेकअप आपकी पर्सनालिटी, जो आपने कपड़े पहने उसी इवनिंग मेकअप हो गया और ब्राइडल का हो गया. बट टीवी मेकअप एंड मूवी मेकअप इज सीरियस बिजनेस. यस. हमारे साथ ऑडियंस में आज महक के पेरेंट्स भी हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आप ये बताएं कि आप महक के गोल्स के बारे में क्या सोचते हैं? देखें जी, खासा क्रिएटिव एक्टिविटी है. मैं समझता हूँ कि महक जो काम कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है. और मैं इसके लिए एक नसीहत जरूर करूँगा, देयर इज ऑलवेज अ पोजीशन वेकेंट एट द टॉप एंड यू आर टू अचीव दैट. सो वेल महक, देयर इज अ सीट वेकेंट. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आप सबका इतना शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने बच्चियों को घरों से निकाला और जिस तरह महक की खुशबू सब तरफ फैली, मैं चाहती हूँ हर घर की हर बच्ची की खुशबू फैले और वो नेक नाम हो और माँ बाप उस पर फख्र करें. और इसमें कोई शुबा नहीं कि आपका ये प्रोग्राम बहुत क्रिएटिव और बहुत ही टैलेंटेड बच्चियों को सामने ला रहा है जो बेचारी घरों में रह के गुमनाम है और जिनका किसी को पता नहीं. ट्रेंड्स वो जनरल डायरेक्शंस होती हैं जो हम सोसाइटी के साथ इन स्टेप रहने के लिए अपनाते हैं. अगर हम इन बदलते हुए ट्रेंड्स के साथ अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो वी माइट लुक लाइक मिसफिट्स इन आवर सराउंडिंग्स. इसी के साथ आई रिक्वेस्ट यू प्लीज write your goal on this plaque and have it endorsed by your mentor. Hamesha hamare ho jazbe jawan har kadam par hame jhuk ke dekhe sabhi aasman. Aapko kitni saadi
bye. Thank you. Good luck.